नेता यहाँ से सीधा कोर्ट जाने के लिए सोच रहा था, वो लोग अभी तक नहीं आए। अरे तुम जाकर देखो तो, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अरे मेरे वहाँ जाने से क्या वो लोग आ जाएंगे? मैं ये जरा पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छा, नहीं तो मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत मजेदार है। नमस्ते, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? मैं करेक्ट टाइम पे आया हूँ, आइए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोकुल है। दीदी, लड़का एकदम मस्त है। चुप। 90 के दशक में जीजाजी चले गए, तब से हमारे साथ ही है। उदय वर्मा की कॉर्पोरेटिव बैंक में नौकरी थी ना? हाँ। तो उन्होंने वो वाला काम छोड़ दिया क्या? हाँ, रिटायर होने के बाद ही इसके पिता की मौत हो गई। बदमानम ने कल टीवी में सीरियल देखा या नहीं? नहीं देखा। हाँ, उसमें एक घर है जिसमें कुछ लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, और जाते वक्त दादी माँ की एक कुंडी भी साथ में लेकर चले जाते हैं। टीवी में वो घर बहुत ही सुंदर दिख रहा था, मैं तो पहले पहचान ही नहीं पाया। बहुत अच्छा सीरियल है। क्या नाम था सीरियल का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सीरियल का नाम लेट हो गए, पहले रस्म पूरी कर लेते हैं। इंदु को लेकर आऊं? इंदु अंदर जाकर बुलाओ ना। अच्छा, अंदर जाऊं मैं? इसे पकड़ो, मैं लेके आता हूं। लीजिए, पढ़िए। इंदु, वो लोग आ गए हैं, जल्दी चलो। अब मुझे दीजिए। नहीं, बेटी लेकर जाएगी। तुम यहां आओ, वहां कहां जा रही हो? यहाँ रखो। बेटी तुम अंदर जाओ। अच्छा है ना? तुम कहाँ जा रही हो? सीता, मैं पान लाना भूल गई, जरा तुम जाकर ले आओ। मेहमान अगर खाने के बाद पान मांगेंगे और मैं नहीं दूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जरा जल्दी खरीद कर ले आओ, इधर से नहीं उधर से। जरा जल्दी करो, कितना टाइम लगाओगे? बहुत अच्छी चूड़ी है, कहाँ से खरीदा? शहर से खरीद के लाई थी, पहले सुपारी दो। इतनी जल्दी क्या है? एक जूस पियोगी क्या? मुझे नहीं चाहिए। लड़के उन्हें पसंद है, पसंद क्या, बहुत ही पसंद है, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताया। और अब लेन देन की जो बात है वो आप अपनी मर्जी से कर लीजिए। गोकुल कृष्ण ने तुम्हें पसंद कर लिया, ये सुनकर लड़की कितनी खुश हो गई देखो। और एक बात, शादी की तैयारी में कम से कम 4-5 महीने जाएंगे। अभी गोकुल कृष्ण को अचानक आना पड़ा, शारजा वापस जा करके वो अपना काम पूरा करेगा और फिर वापस आ जाएगा, बस और क्या। अब 4-5 महीने में सब हो जाएगा, ये तो चलेगा। अब वैसे तो सब लोग गल्फ से जहाज में यहाँ आते हैं, अब ये गोकुल कृष्ण टीआर में यहाँ क्यों आ रहा है? तुम पता नहीं किस जमाने में जी रहे हो। टीआर मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेसरेंस, इसका मतलब ये है कि वो वापस नहीं जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेसरेंस नहीं है, ट्रांस ऑफ रेसरेंस। हाँ, आपने ठीक कहा, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। बाकी की बातें करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, अब मैं निकलता हूँ। जरा रुकिए, ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, रख लीजिए। हे भगवान, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या? टेंशन 4 बजे से शुरू हुआ है। टेंशन? बेटी, अरे बेटी तुम खुश हो ना, ये जो 4-5 महीने बोलते हैं ये आंख बंद करके खोलने से पहले ही निकल जाएगा। चाहे तो शाहजा का एड्रेस ला कर देता हूँ। आप चुप रहिए मामा जी। मामा जी, मेरी एक ख्वाहिश है। कल अखबार में मैंने पढ़ा था कि जहाज में एक शादी हो रही है, और हमारी इंदु की शादी भी कुछ ऐसे ही होनी चाहिए। जब तुमने बोला तभी मुझे एक नया आइडिया आया, अंडरग्राउंड में करवाएंगे। एक पैसा नहीं है शादी करवाने के लिए, और शादी में तुझे नया स्टाइल चाहिए। गाली खानी है तुझे क्या? मामा जी, फिर रहने दीजिए। वैसे ये अंडर वाटर क्या होता है? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवण तमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। भैया,
क्या हुआ इंदु? सीता सुपारी खरीदने गई थी, अभी तक नहीं आई। शाम के वक्त उसे किसने भेजा था? जब मेहमान आए थे तब मैंने ही भेजा था। जरूरत का सामान पहले ही मंगा के रख लेती ना रानी माँ जी। भाई आप बाहर जाकर जरा देखिए ना, जरा ढूंढ कर आओ। ठीक है, मेरा वो शर्ट निकालो। एक दो घंटे पहले वो यहाँ से उस तरफ गई थी। तालाब की तरफ? क्या ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, वो सब देखना मेरा काम नहीं है। कितना हुआ? 7,500 रुपए। एक घंटा हो गया ना मुझे यहाँ बैठे हुए, मेरा क्या? मालिक के आने से पहले मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम जाओ और कल आना। कैसा इंसान है। क्या कर रहे हैं ये लोग? सर वो लोग बाहर बैठे हैं, अंदर बुलाऊं क्या? राजन क्या तुम उन्हें जानते हो? जानता हूँ सर, मैं थोड़ा बहुत उन लोगों को पहचानता हूँ। आने के लिए बोलो। You got the details? Try कर रहा हूँ सर। उन्नी। कल शाम को यह घटना हुई है, फिर भी तुम लोग कल रात ये रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं आए? वो आ जाएगी, इस उम्मीद में थे हम लोग, सुबह हो गई अभी तक नहीं आई, इसलिए रिपोर्ट लिखाने आए। मामा ने बोला कि जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा लो। सर आप तो जानते ही हैं, एडवोकेट रामावरण भाई मेरे मामा हैं। उन्हें कोर्ट जाना था वरना साथ में वो भी। बाहर कोई अफेयर था या किसी से प्यार करती थी? क्या बात कर रहे हैं, कैसा मजाक कर रहे हैं आप, उसे किसी से प्यार नहीं था। आराम से। उनके घर में जाके पूछा? रामन ने जाकर पूछा था, वो वहाँ नहीं गई। ये रामन कौन है? घर के पास ही रहता है। उसके कोई और करीब के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। तो फिर कहाँ चली गई? एक स्टेटमेंट लिखवा के लो सर, बाद में उसकी एक फाइल बनाओ और FIR रेडी करो सर। रुको, हाथ दिखाओ अपना। किस लिए? तुम्हारे हाथ से खून की बदबू आ रही है। ये सांबर की खुशबू है, आज इडली में सांबर डाल के मैंने खाया था इसलिए। वकील के बोलने पे रिपोर्ट करने आए हो? हाँ जाओ। अरे ये तुम्हारा ऑफिसर पागल है क्या? खून और सांबर की खुशबू में फर्क नहीं समझता है। ये क्या बात है राजन भाई, खून की बदबू आ रही है बोल रहे हो? ये सब पुलिस वालों का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ऐसा बोलने से जो भी सुनता है उसके चेहरे पर कुछ फर्क आता है क्या, ये देखने के लिए। उनको भाई के ऊपर शक है क्या राजन भाई? और मुझ पर क्यों शक करेगा? हे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहां जाकर देखकर आता हूँ। नहीं भाई आप कहीं भी मत जाइए। उस तरफ गोता लगाकर देखो। ये क्या है सर, सुबह सुबह शुरू किया था ढूंढने के लिए। नहीं, जिला प्रेसिडेंट ने फोन करके बताया, अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो हमारी पार्टी में है सर, एक नंबर के गोता लगाने वाला। दिल्ली जाने जितना आसान नहीं है इस पानी में गोता लगाना, समझ गए? हाँ तो मैं भी गोता लगाना है क्या? आपके दिल्ली की बात बोलने से मुझे याद आया। रास्ता छोड़ो, साइड हो जाओ, साइड में हटो, चलो चलो साइड हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चलो हटो। सर SP। ये क्या बात है शिव कुमार, जरा इस SP की ड्रेस तो देखो कैसी है। सर वो आ रहे हैं, देखिए। इस आदमी को ऑफिस में बैठकर काम करना चाहिए ना, क्यों बेकार में इतनी दूर आकर हम काम करने वाले को परेशान करता है। बॉडी मिली क्या? नहीं सर। तुम क्यों जल्दबाजी में जवाब दे रहे हो, मैं हूँ ना जवाब देने के। तुम्हें किसने बोला था यहाँ आकर खड़े रहने के लिए? गेस्ट हाउस का काम हुआ क्या? सर मैं गेस्ट हाउस गया था, फिर मंत्री जी को भयंकर जुलाब हो गया। अरे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे सर। कुछ भी बोलो, उस आदमी को ठीक होने तक तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए सर, था। इसने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला था। हाँ ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, सीधा तुम स्टेडियम जाओ, वहाँ एक फुटबॉल मैच है। सर फुटबॉल मैच तो 4 बजे के बाद है ना, मैं पहले ही थका हुआ हूँ। अभी से वहाँ क्राउड शुरू हो जाएगा, वहाँ चले जाओ तुम, बोल रहा हूँ ना मैं, जाओ। यूजलेस। अबे चल हट गधे कहीं के।
क्या बोला तुमने? नहीं सर, इसने मेरे पैर को दबा दिया, बहुत दर्द हो रहा है सर, निकल यहाँ से। हाँ इस तरह जाओगे तो जरूर पैर से दबकर गिरोगे। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? ये डुबकी लगाओ।